हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबोटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड के अंदर कर्सर मूवमेंट कीज का इस्तेमाल। कर्सर मूवमेंट कीज को नेविगेशन कीज भी कहा जाता है और कर्सर मूवमेंट कीज में आपके पास लेफ्ट एरो, राइट एरो, अप एरो, डाउन एरो, इसके अलावा पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड, ये 8 कीज होते हैं। इसका कैसे हम लोगों को एमएस वर्ड में इस्तेमाल करना है और क्या इस्तेमाल है, आइए बिना समय गवाए सीखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक डॉक्यूमेंट बना के रखा है जहाँ पे मैंने मल्टीपल पैराग्राफ्स का एक मैटर डिजाइन कर रखा है। अभी आप सबसे शुरू में हैं यहाँ पे। अभी अगर आप चाहते ये हो कि राइट तरफ आपका ये मूव करे, दाहिने तरफ आपका ये जो कर्सर है जो अभी वी के लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर ब्लिंक कर रहा है वो राइट साइड मूव करे, तो कीबोर्ड से आपको राइट एरो की दबाना है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जितनी दफा यहाँ पे मैं राइट एरो की मूव कर प्रेस कर रहा हूँ वो जो कर्सर है वो राइटवर्ड्स मूव कर रहा है। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि नहीं, ये जो कर्सर है जो अभी फिलहाल ओ के लेफ्ट में ब्लिंक कर रहा है ये बाएं तरफ मतलब कि लेफ्ट साइड में मूव करे, तो आपको लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करना है। देखिए, बहुत आसानी से आप लेफ्ट के तरफ कर्सर को मूव कर पा रहे हो। अगर आपको यूज करना है डाउन एरो की, तो डाउन एरो की से आप कर्सर को एक एक लाइन नीचे मूव कर सकते हो। देखो, अभी ये फिलहाल फर्स्ट लाइन पे है, जैसे ही मैं डाउन एरो की पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन पे मूव कर रहा है, अगर नेक्स्ट लाइन जो है वो अवेलेबल है तो। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि ये कर्सर जो है जो फिलहाल यहाँ इस लाइन पे है वो ऊपर की तरफ मूव करे लाइन बाय लाइन, तो आप अप एरो की को प्रेस करो, ये लाइन बाय लाइन जो है ऊपर की तरफ मूव करके आपका जो कर्सर जो है वो उसको मूव करे। इसी ढंग से अगर आप चाहते हो, जैसे आप यहाँ पे हो, आप चाहते हो एक एक पन्ना नीचे की तरफ मूव करे, तो आपको पेज डाउन की का इस्तेमाल करना है। इस की के इस्तेमाल से आपका कर्सर जो है वो एक एक पन्ना नीचे, एक एक पेज डाउन मूव करेगा। सिमिलरली एक एक पन्ना ऊपर अगर आपको मूव करना है तो आप यूज करोगे पेज अप की का। ओके, अभी आप देखो यहाँ पे, आप सपोज बीच में कहीं पे ये कर्सर रखे हुए हो और आपको उसी लाइन के अंत में आना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पावरफुल के यू के लेफ्ट हैंड साइड में हो और आप ये चाहते हो कि बिल्कुल यहाँ लाइन के आखिर में आ जाए, तो आपको कीबोर्ड से एंड की प्रेस करना है। देखो, एंड पे आ गए। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि आप लाइन के शुरुआत में आ जाओ, तो आपको कीबोर्ड से होम की प्रेस करना है। बहुत सिंपल सा शॉर्टकट है, बहुत यूजफुल शॉर्टकट है। तो ये जो कर्सर मूवमेंट कीज, जो मैंने 8 अलग अलग कर्सर मूवमेंट कीज बताया, इसके इस्तेमाल से आप स्मॉल मूवमेंट कर पा रहे हो। यहाँ पे मैंने लेफ्ट एरो की को डिस्कस किया कि इस एरो की के इस्तेमाल से आप कर्सर को लेफ्टवर्ड्स जो है मूव कर सकते हो, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, वन कैरेक्टर एट अ टाइम। सिमिलरली राइट एरो की का मैंने बता दिया, अप का बता दिया, डाउन एरो की का बता दिया, एंड की का बता दिया, होम की का बता दिया, पेज अप एंड पेज डाउन का बता दिया। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि एमएस वर्ड में आप लार्ज मूवमेंट करो, लार्ज मूवमेंट का मतलब जहां पे आप राइट एरो की से एक एक कैरेक्टर दाहिने मूव कर रहे थे, आप चाहते हो एक एक वर्ड आप दाहिने मूव करो, तो आपको करना क्या है कि नेविगेशन कीज जो मैंने अभी बताया, उस नेविगेशन की को कंट्रोल के साथ यूज करना है। जैसे अभी मैं अगेन जहां पे मेरा मैटर लिखा हुआ वहां पे मैं चला जाता हूं। अब देखो, यहां पे अगर मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाता हूँ, देखो अभी आपका ये कर्सर वीडियो के लेफ्ट हैंड साइड है, लेकिन जैसे ही मैं राइट एरो दबाता हूँ, देखो एक ही अटेम्प्ट में ये एक वर्ड क्रॉस कर गया। सिमिलरली अगर दोबारा मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो की दबाता हूँ, देखो प्रोवाइड्स के आगे चला जाएगा, मतलब अगले वर्ड के आगे चला जाएगा। उसी ढंग से आप जितनी दफा चाहो कंट्रोल के साथ राइट एरो की का यूज करके आप कर्सर को एक एक वर्ड, एक एक शब्द जो है वो दाहिने मूव करा सकते। अब आप चाहते हो कि आपका जो कर्सर है, जिस तरह से आपने एक एक वर्ड दाहिने मूव कराया, आप ये चाहते हो कि एक एक वर्ड लेफ्ट साइड मूव कराओ, बाएं तरफ मूव कराओ, तो कंट्रोल के साथ आपको लेफ्ट एरो की को यूज करना है। जितनी बार आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की का इस्तेमाल करोगे, उतनी दफा एक एक वर्ड बाएं
आपका कर्सर जो है वो मूव करेगा बशर्ते कि मैटर बाएं तरफ हो। अब जैसे अभी मैं बिल्कुल शुरू में आ गया हूं, अभी अगर मैं कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो यूज करता हूं तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैटर उसके लेफ्ट में नहीं है ना तो उसके ऊपर। अब अगला जो कंट्रोल के साथ नेविगेशन की का इस्तेमाल है वो कंट्रोल के साथ डाउन एरो की। देखो अभी मैं पैराग्राफ वन पे हूं, यहां पे मैं अगर डाउन एरो की का यूज करता हूं तो एक एक लाइन नीचे जाता हूं, अप से एक एक लाइन ऊपर जाता हूं। लेकिन अगर मैं कंट्रोल की प्रेस करके डाउन एरो की को यूज करता हूं तो देखो एक ही अटेम्प्ट में मैंने एक पैराग्राफ क्रॉस कर लिया। मतलब कंट्रोल की के साथ अगर आप डाउन एरो की को यूज करते हो तो ये जो है एक एक पैराग्राफ नीचे के तरफ आपके कर्सर को मूव कर देता है। इसी तरह से कंट्रोल के साथ अगर आप अप एरो की यूज करते हो तो एक एक पैराग्राफ ऊपर मूव करेगा। बहुत आसान है। अभी आप देखो बिल्कुल शुरू में हो, आप चाहते हो कि डॉक्यूमेंट के आखिर में मैं चला जाऊं। एक डॉक्यूमेंट में बहुत सारा मैटर हो सकता है, बहुत सारा पेजेस डिजाइन हो सकता है, तो आप क्या करो, शॉर्टकट है, आप कंट्रोल के साथ एंड की का इस्तेमाल करो। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ देखो एंड की प्रेस करोगे, आप जहां कहीं भी हो वहां से बिल्कुल लास्ट में आ गए। ऐसा नहीं कि शुरू में ही आपको होना चाहिए, चलो बीच में आप कहीं पे हो और आपको यहां से लास्ट में आना है तो आप कंट्रोल के साथ एंड की को यूज करो। जैसे ही आप शॉर्टकट प्रेस करोगे देखो आप शुरू में आ गए। अभी मैं ये चाहता हूं कि मुझे शुरू में जाना है, इस डॉक्यूमेंट के बिल्कुल शुरुआत में जाना है, तो मैं कंट्रोल के साथ होम की का इस्तेमाल करूंगा। देखो मैं बिल्कुल शुरू में आ गया। बीच में भी मैं कहीं पे रहता हूं और मुझे शुरू में आना है तो मैंने यहां से कंट्रोल की और साथ में एंड की कीबोर्ड से प्रेस किया होम की, देखो मैं शुरू में आ गया। मतलब कहने का है कि आपको अगर डॉक्यूमेंट के लास्ट में जाना है तो कंट्रोल के साथ एंड दबाना होगा, और अगर आपको डॉक्यूमेंट के शुरू में आना है तो कंट्रोल के साथ होम दबाना होगा। तो इस तरह से आपका ये लार्ज मूवमेंट वाला भी जो शॉर्टकट है, जो कंट्रोल के साथ आप नेविगेशन कीज यूज करोगे, वो आप लोगों ने देख लिया कैसे होता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसमें मजा आ रहा होगा, आप लोगों को सीखने का मौका मिल रहा होगा। तो अगर सीखना अच्छा लग रहा हो वीडियो तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे, दो सेक्शन में भी और कंप्लीट करता हूं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन यूजफुल वीडियो है। देखिए अभी आप अगर चाहो तो शिफ्ट के साथ नेविगेशन कीज का भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर स्मॉल सेलेक्शन। देखो होता क्या है, जैसे अगर मान लो कि आपको ये इतना का कलर चेंज करना है या इतना कुछ मैटर आपको मिटाना है या फॉन्ट चेंज करना है तो सिलेक्शन नेसेसरी होता है। सिलेक्शन में भी अब देखो स्मॉल सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे आपको एक एक कैरेक्टर दाहिने सेलेक्ट करना है तो आपको करना क्या होगा, कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाना होगा। देखो मैंने एक बार शिफ्ट के साथ राइट एरो की दबाया, एक कैरेक्टर जो कि वी था वो सेलेक्ट हो गया। मैं और भी आगे का कैरेक्टर राइटवर्ड सेलेक्ट करना चाहता हूं तो मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो की देखो दबा रहा हूं। जैसे जैसे मैं शिफ्ट के साथ राइट एरो दबा रहा हूं देखो यहां से एक एक कैरेक्टर आपका सेलेक्ट हो रहा है ना, बहुत सिंपल है। अब ये सेलेक्ट होने के बाद आप चाहो तो फर्दर आप इसका कलर चेंज कर सकते हो, इस पर कोई फॉन्ट अप्लाई कर सकते हो एंड सो ऑन। ये स्मॉल सेलेक्शन है चूंकि एक एक कैरेक्टर सेलेक्ट हो रहा है। अभी आप देखो कर्सर अभी यहां पे मैंने रखा, अब मुझे ये चाहिए कि मैं लेफ्ट के तरफ बाएं तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड मैं सेलेक्ट करना चाहता हूं एक एक कैरेक्टर। तो अगेन आपको देखो शिफ्ट दबाना है और लेफ्ट एरो की को आपको दबाते रहना है, जितनी दफा आप दबाओगे उतना कैरेक्टर लेफ्ट साइड आपका ये सेलेक्ट होता चला जाएगा, बहुत सिंपल। सिमिलरली अभी चलो मैं चाहता हूं एक एक लाइन नीचे सेलेक्ट हो तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो की आप क्लिक करो, आप जो है कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ डाउन एरो की को प्रेस करो। जितनी दफा आप डाउन एरो की प्रेस करते जाओगे शिफ्ट के साथ उतना लाइन आपका देखो सेलेक्ट होता चला जा रहा है। इसी तरह से अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि चलो यहां से जो है एक एक लाइन जो है वो मैं ऊपर की तरफ सेलेक्ट करूं तो आपको शिफ्ट के साथ अप एरो की दबाना है। आप जैसे ही शिफ्ट के साथ अप एरो की दबा रहे हो देखो एक एक लाइन ऊपर की तरफ ये आपका सेलेक्ट हो रहा है। ओके अभी देखो आप बीच में कहीं पे हो, आप ये चाहते हो कि यहां से आखिर तक उस लाइन के अंत तक जो है जो भी मैटर है वो सेलेक्ट हो जाए तो आप शिफ्ट के साथ एंड बटन एंड की आपको दबा देना। जैसे आप करो देखो यहां पे कर्सर यहां था, यहां से बिल्कुल लास्ट तक सेलेक्ट हो गया। सपोज कर्सर यहां है और यहां से आप लास्ट तक सेलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आपको एंड की प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे आप ऐसा करोगे देखो ये पूरा लाइन जहां कर्सर था वहां से अंत तक सेलेक्ट हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हो कि जहां पे कर्सर है वहां से लाइन के बिगिनिंग तक सेलेक्ट हो जाए जो भी मैटर है तो शिफ्ट के साथ आपको होम प्रेस करना है। ठीक है अगर आप लास्ट में हो
और आप शिफ्ट के साथ होम प्रेस कर देते हो तो वो पूरा लाइन सेलेक्ट हो जाएगा। आप कहीं बीच में हो और शिफ्ट के साथ आप होम प्रेस करते हो तो वहां से बिगिनिंग तक सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप चाहते ये हो कि एक एक पन्ना नीचे के तरफ सेलेक्ट हो तो आपको करना है क्या कि शिफ्ट के साथ पेज डाउन शॉर्टकट का यूज करना है। एक एक पन्ना ये नीचे के तरफ सेलेक्ट होता चला जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि एक एक पन्ना ऊपर की तरफ सेलेक्ट हो तो शिफ्ट के साथ आपको पेज अप की यूज करना है। देखो जैसे जैसे आप पेज अप की यूज कर रहे हो शिफ्ट के साथ सारा मैटर ऊपर की तरफ एक एक पन्ना सेलेक्ट हो जा रहा है। तो इस तरह से आप लोगों ने स्मॉल सेलेक्शन सीखा, जहां पे जो मेन जो बेसिक फॉर्मूला है वो है शिफ्ट के साथ नेविगेशन कीज का इस्तेमाल। जैसे शिफ्ट के साथ राइट एरो की, शिफ्ट के साथ लेफ्ट एरो की, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की एंड सो ऑन, जो भी मैंने नेविगेशन की ऑलरेडी डिस्कस किया वो सारा। अभी आप चाहो तो काम को फास्ट करने के लिए, सिलेक्शन को एक्चुअली फास्ट करने के लिए आप कंट्रोल और शिफ्ट दोनों का इस्तेमाल नेविगेशन कीज के साथ कर सकते हो। जैसे कंट्रोल शिफ्ट और राइट एरो की का अगर मैं इस्तेमाल करूंगा तो ये जो है एक कैरेक्टर दाहिने ना सेलेक्ट करके एक वर्ड दाहिने सेलेक्ट करेगा। कैसे, आइए चलिए देखते हैं। अभी यहां पे कर्सर जो है वीडियो के वी के बिल्कुल लेफ्ट में है। यहां कंट्रोल के साथ देखो शिफ्ट के साथ मैं राइट एरो की दबाता हूं, देखो एक एक वर्ड दाहिने सेलेक्ट होता चला जा रहा है और इसी वजह से इसको कहा जाता है लार्ज सेलेक्शन। अभी आप सपोज यहां पे आप हो, आप ये चाहते हो कि आप कोई ऐसा शॉर्टकट यूज करो कि लेफ्ट हैंड साइड बाएं तरफ जो है लेफ्ट वर्ड्स एक एक वर्ड सेलेक्ट हो, तो आपको कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ शिफ्ट और उसके बाद लेफ्ट एरो की दबा देना। आप जितनी दफा ये प्रेस करोगे बाएं तरफ एक एक वर्ड आपका सेलेक्ट होता चला जाएगा। उसी तरह से आप चाहते हो कि एक एक पैराग्राफ एक ही शॉर्टकट में सेलेक्ट होता चला जाए तो देखो आपको करना क्या है, और वो भी डाउनवर्ड्स, तो आपको कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो की को यूज करना है। देखो एक बार आपने ऐसा प्रेस किया एक पैराग्राफ पूरा सेलेक्ट हो गया, अगर आप दोबारा यहां से प्रेस करते हो तो देखो दूसरा पैराग्राफ भी सेलेक्ट हो गया, अगर आप तिबारा यहां से प्रेस करते हो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ डाउन एरो की, देखो ये तीसरा वाला पैराग्राफ भी सेलेक्ट हो गया। सिमिलरली अगर आप चाहते हो कि आप ऊपर की तरफ एक एक पैराग्राफ एक एक अटेम्प्ट में सेलेक्ट कर लो तो आपको कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अप एरो की यूज करना है। देखो एक एक पैराग्राफ ऊपर की तरफ सेलेक्ट होता चला गया। अभी इसी तरह से देखो आप कहीं बीच में हो, ठीक है, और यहां से आप चाहते हो कि आप जहां कहीं भी हो वहां से डॉक्यूमेंट के अंत तक जितना भी मैटर है वो एक ही अटेम्प्ट में एक ही शॉर्टकट से सेलेक्ट हो जाए तो आपको प्रेस करना होगा कंट्रोल शिफ्ट एंड एंड। जैसे ही आप ऐसा करोगे देखो कर्सर जहां भी था वहां से अंत तक सेलेक्ट हो गया। मैं दिखाना चाहूंगा आप लोगों को स्क्रॉल करके, ऊपर का मैटर सेलेक्ट नहीं हुआ होगा। ये जो है ऊपर का मैटर यहां पे सेलेक्ट नहीं हुआ, ये देखो। अभी इसी ढंग से आप चाहते हो कि यहां मेरा कर्सर है यहां से बिल्कुल फाइल के शुरू तक मैं सेलेक्ट कर लूं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ अगर आप होम की प्रेस करते हो तो देखो कर्सर जहां था वहां से बिल्कुल शुरू तक ये सेलेक्ट हो गया। यहां पे अगर आप कंट्रोल ए की तरह भी देखो इसका इस्तेमाल हो सकता है, आप फाइल के बिल्कुल शुरू में रख दो कर्सर को और कंट्रोल शिफ्ट और एंड अगर आप दबाओगे तो ये देखो पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये सेलेक्ट ऑल से अलग है, कंट्रोल ए से अलग है, क्योंकि यहां पे मैंने शुरू में कर्सर रखा था और मैंने कंट्रोल शिफ्ट एंड प्रेस किया तो वहां से आखिर तक मतलब कि पूरा मैटर सेलेक्ट हो गया। इसी ढंग से अगर आप कर्सर को बिल्कुल आखिर में रखते हो और कंट्रोल शिफ्ट होम दबाते हो तो देखो ये पूरा मैटर, चूंकि कर्सर अंत में था तो अंत से शुरू तक जो भी मैटर था जो कि पूरा ही होगा वो सेलेक्ट हो गया, लेकिन उसके बावजूद कंट्रोल शिफ्ट होम या कंट्रोल शिफ्ट एंड जो है वो सेलेक्ट ऑल नहीं करता है, क्योंकि कर्सर जहां होता है वहां से ये बिगिनिंग या एंड तक मैटर को सेलेक्ट करता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस वीडियो के थ्रू ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो शॉर्टकट है नेविगेशन कीज का, जिसको कर्सर मूवमेंट कीज भी कहते हैं, इसका आप लोगों ने बेसिक सीख लिया होगा। अब आप लोग इसको यूज करना। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि इस ढंग का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को हिट कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक्स अलॉट।